जो बिजली के दाम थे वो कम कर दिए गए और पैसे का एक जोरदार पैकेज मिला, क्या ये मिला आपको? किसान भाइयों, सहकारिता की ओर से क्या आपको 1,50,000 का ऋण बिना ब्याज का किसी ने दिया है आज तक? किसी को मिला है आज तक? कुछ कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को तो मिला, पर हमको उस ब्याज में से 25-30 कहीं 50,000 रुपए देने पड़े। किसी को भी 1,00,000 रुपया टोटल भी नहीं मिला है। कहते हैं मिलते हैं तो 25,000 या 50,000 और सब पैसा दूसरे लोग खा जाते हैं। आज ये स्थिति है सरकार के अंदर, पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को, अपने बच्चों को आगे कर दिया, अपने परिवारों को आगे कर दिया, अपने जो पार्टी के लोगों को उनको सुदृढ़ बना दिया और राजस्थान की जनता को सड़क के ऊपर लाने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने आज किया है। इसीलिए मेरा आप लोगों से कहना है, बताओ आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हो, बताओ एक नया राजस्थान बनाने की तैयारी है क्या? क्या युवा महिला, हमारे यहाँ सब भाई और बुजुर्गण ये तैयार हैं कि हम लोग सब मिलके चलेंगे तो एक समृद्ध, एक खुशहाल, एक बहुत जोरदार राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसको फिर से लोग देखने को और छूने को यह देश में आए, खाली गुजरात नहीं, खाली मध्य प्रदेश नहीं, परंतु राजस्थान भी। आप देख लो 65 साल निकल गए और 65 साल निकलने के बाद, मेरा समय 5 निकाल दो, 7 भैरव सिंह जी का निकाल दो, 53 साल अपन ने कांग्रेस को दिया, उधर मोदी जी को 15 साल दिए और 15 साल के अंदर मोदी जी ने गुजरात का काया पलट करके दुनिया के अंदर गुजरात छा गया है। देखा आपने, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा शिवराज जी चौहान ने 10 साल में काया पलट कर दिया है मध्य प्रदेश का। और 53 साल के बाद राजस्थान आज भी गड्ढे में पड़ा है। मैं कह रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आता और हमको 53 साल मिलते तो आपको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं होती, एक चमन बन जाता अपने क्षेत्र के अंदर। आज तो मैं देख रही हूँ कि पैसे हो रहे खर्च, परंतु पैसे जनता के ऊपर खर्च नहीं हो रहे हैं, पैसे अखबारों में खर्च हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में खर्च हो रहे हैं, परंतु जनता के ऊपर नहीं, लाखों करोड़ खर्च हो रहे हैं। ये पैसा अगर जनता में खर्च हो जाता तो मैं समझती हूँ कि वैसे ही राजस्थान आगे बढ़ जाता। इसलिए आज के दिन हम लोग आपके बीच में आए हैं, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आप लोगों को आगे चल के इस सरकार को बदलना है, क्या आप तैयार है? इनकी रेवड़ी, इनकी खैरात, इनकी सौगात, ये सब ले लो, ये अपना ही पैसा है, और अगर अपन नहीं लेंगे तो ये मान के चलो कि वो काले धन में जमा हो जाएगा जो स्विस बैंक के अकाउंट में इन लोगों के सबके पैसे रखे हुए हैं। मैं आपको ये कह दूं कि तय कर लो ये सब अपना है, अपन इसको लेंगे, परंतु साथ में अपन एक नया राजस्थान बनाएंगे, एक ऐसा सुंदर सा राजस्थान जिस सुंदर से राजस्थान को देखने के लिए बाहर से आएंगे, जहां हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, जहां हमारे किसान मजबूत हो जाएंगे, जहां हमारे व्यापारी नए नए अपने संस्थाएं बनाएंगे, जहां हमारी माताएं बहनें सुरक्षित होकर अपना सिर ऊंचा करके चल पाए, जहां उनको पानी और बिजली समय पर मिले, ऐसा राजस्थान बनाने की तैयारी है क्या? हिम्मत है क्या? मैं अभी एक गांव से निकली थी तो गांव में लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ मर्डर हुआ और ये मर्डर में 4 बच्चों की डेथ हो गई, आप इतना बड़ा और इतनी निर्मम हत्या हुई है, इसको आप मेहरबानी करके सीबीआई को दे दो। तो मैंने उनको यही कहा कि सीबीआई जो होता है ना वो हम सब के लिए है, आपके लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है सीबीआई, सीबीआई है ये गुलाब जी के लिए, सीबीआई है हम लोगों के लिए, सीबीआई आप लोगों के लिए नहीं है, सीबीआई उन लोगों के लिए है जिनको राजनीतिक रूप से हम लोगों को क्रश करने की जरूरत है, सीबीआई उन लोगों के लिए है जो जिसको इस्तेमाल करके ये कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक और दिल्ली से लेके कश्मीर तक लोगों को दबाने का काम शुरू किया है। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम लोग मिलके
अगर 36 की 36 कौम और सब मजहब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो ये विश्वास ला चाहती हूँ कि प्यार के साथ, झगड़े के साथ नहीं, प्यार के साथ हम लोग इस नया राजस्थान को बनाने में पूरी तरह से काबिल होंगे। इस वित्तीय वर्ष में बिजली को लेकर कितनी सारी घोषणाएं हुई जो आज पूरी नहीं हुई है। 75,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, दिए 13,000। 50 गांव में विद्युतीकरण होगा सिर्फ 8 गांव। इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवारों को मिलेंगे कनेक्शन, दिए 6,000। यह है वो कांग्रेस जो अपने शब्दों के ऊपर कभी अमल नहीं करती। और भ्रष्टाचार में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है, अखबार में आया है कि सबसे ऊंचा देश के अंदर भ्रष्टाचार में नंबर 1 अगर किसी प्रदेश का है वो है। इस शर्म की बात है कि वो राजस्थान, जिस राजस्थान को इतिहास के अंदर इतने बड़े बड़े शब्दों के अंदर नाम आता था, आज हमारा नाम भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, SC ST अत्याचार, इन चीजों के लिए आ रहा है। अरे भाई और बहनों, हम लोग सब स्वाभिमानी और इज्जतदार लोग हैं। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान के लोग भूखे सो जाएंगे पर अपने इज्जत और अपने स्वाभिमान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इसलिए डरना नहीं है, हम लोग सबको मिलके आगे चलना है। अगर तैयार हो तो दोनों मुट्ठी ऊपर करके हमें बताओ कि आप तैयार है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि आने वाले वक्त के अंदर हम लोग सब मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। उस नए राजस्थान के अंदर हिम्मत के साथ हम लोग काम करेंगे और उस राजस्थान को मिलके बनाएंगे। यह विश्वास के साथ आप लोगों से एक जोरदार नारा चाहूंगी, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। ये स्वतंत्रता सेनानी है प्रदीप शर्मा, ये सीबीआई की जांच चाहते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी का पोता है, सारा भूमि। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी प्रदीप शर्मा जी, जिनको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो स्वतंत्र सेनानी पंडित तारकेश्वर शर्मा जी के पौत्र हैं, उनकी अवैध खनन माफिया द्वारा हत्या हो गई है। और कौन जांच कर रहा है? सीबीआई जांच कर रही है। इसीलिए मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई से जांच करवाना चाह रहे हैं, सीबीआई से जांच करवाना चाह रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि सीबीआई तो फिर भी भेजेंगे अपन। आजकल सीबीआई को टाइम नहीं है भैया काम करने का, परंतु आप धरने पे बैठी है। मैं तो समझती हूँ कि अपने को अपने ही पुलिस वालों से इसको कराना पड़ेगा। अपन करेंगे राजस्थान में अपने पुलिस वालों से ही, अन्य लोगों को रहेंगे। आप लोग सब मेहरबानी करके अपना धरना जरूर उठा दो, क्योंकि आप लोग बैठे रहोगे, ये सीबीआई वाले आप लोग किसी की मदद करने वाले नहीं है, अपने ही लोग करेंगे। यही मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। सब लोग उस हिसाब से आप अपना धरना उठा लो। एक सतीश गजराज जी है जो हमारे जिला परिषद के सदस्य है, 2100 युवाओं के साथ पार्टी के अंदर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनको, उनके साथियों को पार्टी के अंदर आज सबको साथ लेती हूँ। ये मैडम 2100 लोगों का भूपेंद्र जी को दे दिया मैंने, कुलदीप जी को, ये मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तैयार हो जाओ सब लोग, एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय जय राजस्थान। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।